Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा लेक्चर है माइक्रो टीचिंग पर, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं। देखिए, माइक्रो टीचिंग सबसे पहले 1963 में A.W. Dewitt Allen ने जो है शुरू की थी। किसने शुरू करी थी? 1963 में A.W. Dewitt Allen ने शुरू की थी। सिंस A.W. Allen ने शुरू करी थी, इसीलिए माइक्रो टीचिंग का फादर भी उन्हीं को कहा जाता है। देखिए, माइक्रो टीचिंग किस वर्ड से मिलके बना है? माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो जब हम टीचिंग को सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे सिखाते हैं, तो उसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। देखिए, ये बिल्कुल एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है बीएड कोर्स में, डीएलएड में, जब हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप स्कूल में जाके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। देखिए, अगर आपको एक पूरी क्लास जो बच्चों से भरी हुई है उसमें एकदम से कह दे कि जाओ और आप पढ़ाओ, तो आपको पढ़ाना ही नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाना भी एक आर्ट होती है। हो सकता है आपको सारी नॉलेज हो, लेकिन उस नॉलेज को बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, जिससे आपकी टीचिंग इंटरेस्टिंग भी हो, बच्चों को भी समझ में आ जाए और बच्चे आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लें, तभी माना जाता है कि एक आप अच्छे टीचर हो। तो एकदम से अगर आप क्लास में चले जाओगे तो आप बिल्कुल जो है खुद ही बहुत नर्वस हो जाओगे और कभी कभी तो बच्चों के पैर भी कांपने लगते हैं। तो इसीलिए माइक्रो टीचिंग जो है कॉलेज में ही पहले बच्चों को छोटे छोटे लेवल पे उनको टीचिंग का अभ्यास कराया जाता है। तो जो छोटे लेवल पे हम टीचिंग का ट्रेनिंग देते हैं, टीचिंग का अभ्यास कराते हैं, उसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। एक तरीके से ये लेबोरेटरी या प्रयोगशाला विधि है। जैसे आपको पता है जो लैब होती है उसमें पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हो छोटे छोटे, फिर आप उसके बाद जो है बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हो, या लैब में आप कोई मॉडल बनाते हो उसके बाद जो है आप उनको रियल वर्ल्ड में उतारते हो। उसी तरह से जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उन्हीं के क्लास में से एक बच्चे को जो है आप टीचर बना देते हो, और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो छात्र बन जाते हैं। तो वो अपने सहपाठियों को ही जो है सिखाने का, पढ़ाने का काम करता है, तो उसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड हमने माइक्रो लिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं बिठाते, सिर्फ 5 से 10 बच्चे बैठते हैं, और जो पढ़ाने का टाइम 35 मिनट होता है वो भी छोटा कर दिया जाता है, सिर्फ 6 मिनट के लिए पढ़ाना होता है, और जो लेसन होता है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा ही पढ़ाना होता है। तो मीन्स माइक्रो टीचिंग में आपकी 3 चीजें जो है माइक्रो लेवल पे होती है। बच्चे भी 35-40 की बजाय 5-10 बैठते हैं, जो पढ़ाने का ड्यूरेशन है वो भी आपका 36 मिनट से सिर्फ 6 मिनट का हो जाता है, और जो आपका लेसन है उसका भी आप एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाते हो। और साथ के साथ एक हम टेप रिकॉर्डर भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा पढ़ा रहा है उसकी सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो जाए, बाद में वो उसे टेप रिकॉर्डर को ऑन करके सुन सकता है कि उसने पढ़ाने में कहाँ कहाँ गलती की है। तो इसको बोलते हैं हम माइक्रो टीचिंग, कि मैं छोटी क्लास को छोटी अवधि के लिए और छोटे से लेसन को पढ़ाना, इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग हम कैसे कराते हैं? इसका पूरा एक साइकिल होता है, इसमें आपके जो है पूरे 6 आपके चक्र से ये जो है बच्चा माइक्रो टीचिंग करता है। तो जिन जिन फेज से वो बच्चा गुजरता है उसी को हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल। देखिए, सबसे पहला है पाठ योजना या फिर लेसन प्लानिंग। बच्चा ये अपने घर से लेसन प्लान बनाकर आता है। अब क्लास में उसके सिर्फ 5 से 10 बच्चे बैठे होते हैं और ये बच्चे उसके सहपाठी ही होते हैं, उनको वो 36 मिनट ना पढ़ा के सिर्फ 6 मिनट पढ़ाता है।
इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, कि सूक्ष्म शिक्षण, कि बहुत कम समय के लिए हमने इसे पढ़ाया है। जब वो 6 मिनट के लिए पढ़ा लेता है तो जो बच्चे उसका लेक्चर सुन रहे हैं उनको हम कहते हैं अब आप फीडबैक दीजिए। फीडबैक मीन्स कि बच्चे ने कैसा पढ़ाया है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और इसके लिए उन बच्चों को 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। 6 मिनट में वो अपनी फीडबैक तैयार करके जो बच्चा पढ़ा रहा होता है उसको दे देते हैं। अब उस फीडबैक में उसकी जो कमियां होती है उसे देख के जो बच्चा पढ़ा रहा होता है उसे दोबारे से अपने लेसन प्लान को ठीक करना होता है। इसके लिए उसे 12 मिनट का टाइम दिया जाता है। 12 मिनट में वो अपने लेसन प्लान को री लेसन प्लान करता है, मीन्स दोबारे से बनाता है। उसके बाद जब लेसन प्लान दोबारे से बना दिया, अभी उसकी गलतियां थी तो उसे दोबारे से टीचिंग कराई जाती है, दोबारे से कराई जा रही है, इसलिए हमने इसे पुनः शिक्षण या री टीचिंग बोला है। और यहाँ पर भी वो सिर्फ 6 मिनट ही पढ़ाएगा। अब जब वो री टीचिंग कर लेता है तो फिर दोबारे से जो बच्चे उसके क्लास में बैठे हुए हैं 5 से 10 बच्चे, उन्हें फीडबैक देना होता है और उसके लिए उन्हें 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो 6 मिनट में वो दोबारे से अपनी फीडबैक देते हैं, इसीलिए इसे पुनः पृष्ठ पोषण या री फीडबैक कहते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल पूरा 36 मिनट का आपका हो जाता है, कि पहले आप घर से लेसन प्लान बना के आए हो, अब क्लास में आपने 6 मिनट की माइक्रो टीचिंग करी, फिर बच्चों ने 6 मिनट में आपको फीडबैक दिया, फिर अपनी कमियों के बेसिस पे आपने 12 मिनट में री लेसन प्लान किया आपने, फिर दोबारे से आपने 6 मिनट की री टीचिंग की, फिर बच्चों ने दोबारे से री फीडबैक दिया। तो इस तरीके से आपकी जो कमियां होती है उन कमियों को सुधार के आप साथ के साथ दोबारे से पढ़ाते। फिर जिस बच्चे ने अपनी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट कर ली वो बच्चा अब जो है क्लास में बैठ जाता है, अब वो छात्र बन जाता है, और जो 5 से 10 बच्चे बैठे हुए थे अब उनमें से एक दूसरे बच्चे को हम खड़ा करते हैं, अब वो प्यूपल टीचर या कक्षा अध्यापक बन जाता है। इस तरीके से हर बच्चा जो है कक्षा अध्यापक बनता है और वो दूसरे बच्चे को सिखाता है। तो क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे होते हैं सबको धीरे धीरे जो है मौका मिलता है माइक्रो टीचिंग का। तो ये होता है आपका माइक्रो टीचिंग का साइकिल। अब ये जो इनोवेटिव मेथड है हमने का माइक्रो टीचिंग, और इसमें जो है बच्चे को पहले से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है कि जब आपको स्कूलों में जाके पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ाना है, तो उससे बच्चे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो टीचिंग के बेनिफिट या इसके लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो इसका बेनिफिट यही है या इसका लाभ यही है कि टीचिंग बहुत इजी हो जाती है। देखिए, बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम लगता है, उन्हें लगता है कि हम इतने सारे बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, पता नहीं बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ भी आएगा या नहीं, और बच्चे इनडिसिप्लिन तो नहीं हो जाएंगे, या हम टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन जब वो लेसन के छोटे छोटे हिस्से को माइक्रो टीचिंग में पढ़ाते हैं, सिर्फ 5 से 10 बच्चे को पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें पढ़ाना आ जाता है। शुरू में वो गलती करते हैं, हो सकता है दोबारे फील गलती करें, लेकिन 3rd या 4th टाइम उनको पढ़ाना बहुत आ जाता है और उन्हें लगता है कि टीचिंग बहुत ही आसान काम है। तो माइक्रो टीचिंग से जो शिक्षण कार्य है वो बहुत सरल हो जाता है। नेक्स्ट है लर्न टीचिंग फास्टर। इसमें बच्चे शिक्षण कार्य को जल्दी करना सीखते हैं। देखिए, आप पूरे 40 बच्चों को बिठा के किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं सीखेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्लास में हर तरह का बच्चा बैठा होता है, उसे समझ नहीं आता हर तरह के बच्चे को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन जब वो 5 से 10 बच्चों को पढ़ा रहा है और छोटा सा लेसन पढ़ा रहा है तो वो जो है बहुत अच्छे से उस लेसन को तैयार करके आता है, तो उसे जो टीचिंग करने का तरीका होता है वो बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि साथ के साथ उसकी कमियां फीडबैक में बताई जाती है, साथ के साथ वो उन कमियों को दूर करके दोबारे से री टीचिंग करता है। और उसे सिर्फ 6-6 मिनट की टीचिंग करनी है तो इस 6-6 मिनट में वो बहुत जल्दी से टीचिंग करना सीखता है। नेक्स्ट है लर्न डिफरेंट स्किल सिस्टमेटिकली, कि विभिन्न कौशल को क्रमबद्ध सीखता है। देखिए, जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी टीचिंग स्किल यूज करते हैं,
जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, लेक्चर मेथड, ब्लैक बोर्ड मेथड, राइटिंग स्किल, क्वेश्चन आंसर स्किल। अगर हमें कोई कह दे कि सारी स्किल आपको एक साथ सीख के एक साथ बच्चों पे यूज करनी है, तो आपको कभी भी सारी स्किल नहीं आएंगी। लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जब छात्र पढ़ाता है तो एक दिन में वो सिर्फ एक ही स्किल यूज करता है, या तो वो इंट्रोडक्शन स्किल यूज करेगा, या क्वेश्चन आंसर यूज करेगा, या लेक्चर मेथड यूज करेगा, या फिर वो ब्लैक बोर्ड स्किल यूज करेगा। पहले एक बच्चा पढ़ाता है एक स्किल पे, फिर दूसरा बच्चा भी उसी स्किल को यूज करके पढ़ाएगा, क्योंकि एक दिन में सभी बच्चों को एक ही स्किल सिखानी है। तो बच्चे एक एक करके स्किल को सीखते हैं और वो उनमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सारी स्किल एक साथ ना सीख के हम क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली सीखते हैं। नेक्स्ट है लर्न टू मेक आइडियल लेसन प्लान। देखिए, जब भी आप टीचिंग करने के लिए जाते हो तो आप एक लेसन प्लान बनाकर जाते हो, तो आपको जो है लेसन प्लान बहुत अच्छा बनाना आ जाता है। क्योंकि आपने माइक्रो टीचिंग के साइकिल में देखा कि पहले तो हम घर से बना के लेके आते हैं लेसन प्लान, लेकिन जब बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, हमें हमारी गलतियां पता चलती है, तो हम दोबारे से री लेसन प्लान बनाते हैं। और हर दिन आपको माइक्रो टीचिंग करनी है 2 हफ्ते तक, तो 2 हफ्ते तक लगातार आप एक लेसन प्लान बनाते हो, अपनी गलतियों को ठीक करके फिर दोबारे से री लेसन प्लान बनाते हो, तो धीरे धीरे आप लेसन प्लान बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव फीडबैक। देखिए, एक बच्चा तो क्लास में पढ़ा रहा होता है और बाकी बच्चे जो है उसका फीडबैक देते हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है कि जो पढ़ा रहा है उसकी कहाँ गलती है, हमें क्यों समझ नहीं आ रहा है, तो वो उसी तरह का फीडबैक लिख के देते हैं। तो जो बच्चे फीडबैक देते हैं, अगली बार उन्हें भी टीचर बनना है तो उन्हें पता चल जाता है कि हमने टीचर में क्या देखा था, कि उसकी क्या गलतियां हैं, तो वो फिर अपनी उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फीडबैक बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपको गिव कॉन्फिडेंस, कि इससे माइक्रो टीचिंग से बच्चों में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आता है। देखिए, अगर आप सारी स्किल एक साथ यूज करेंगे, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, 36 मिनट तक पढ़ाएंगे, तो आप हैपाजर्ड हो जाएंगे। कभी कुछ पढ़ाएंगे, कभी कैसे पढ़ाएंगे, कभी बच्चों को कंट्रोल करेंगे, कभी उन्हें डांटेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अरे मेरा पढ़ाया हुआ तो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में आपको पता चल जाता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कि पहले हमें लेसन प्लान बनाना है, फिर हमें बच्चों को धीरे धीरे एक एक स्किल यूज करते हुए समझाना है, तो इससे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट है लर्न अबाउट वन शॉर्ट कमिंग, कि हमें बच्चों को अपनी कमियां खुद पता चलती है। देखिए, कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, जब वो सबसे पहली बार माइक्रो टीचिंग करता है तो पढ़ाने में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन दूसरे बच्चे उसकी जो है फीडबैक उसे देते हैं, तो फीडबैक को देख के उसे पता चल जाता है कि उसकी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों को वो साथ के साथ सुधारता है और लेसन प्लान को दोबारे से बनाता है, और री लेसन प्लान के बाद दोबारे से री टीचिंग भी करता है। तो इसमें बच्चे को माइक्रो टीचिंग से क्या होता है, साथ के साथ अपनी कमियां पता चलती है और वो साथ के साथ उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है लर्न वर्क ऑफ सुपरवाइजिंग। देखिए, जब एक बच्चा पढ़ाता है तो बाकी बच्चे उसका पढ़ाना सुन रहे होते हैं और उन्हें फीडबैक भी देना होता है, तो वो उसे अच्छे से सुपरवाइज भी करते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहा है, या उसके अच्छे पॉइंट क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, तो उन्हें पता चल जाता है कि सुपरवाइज कैसे किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग से बच्चों को एक निर्देशक का कार्य भी आता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल ऐप, श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग। देखिए, बच्चों को क्या होता है, माइक्रो टीचिंग से ऑडियो विजुअल एड यूज करना आता है। जब आप ट्रेडिशनली तो क्या था, टीचर से ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा देते थे, लेकिन आजकल आप टीवी का भी यूज करते हो, प्रोजेक्टर का भी यूज करते हो, ग्राफ का भी यूज करते हो, बच्चे को पिक्चर भी दिखाते हो, मॉडल भी दिखाते हो, तो आप बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड यूज करते हो, क्योंकि जब बच्चा देखता है और किसी चीज को सुनता है तो उसको वो पढ़ाया भी उसके दिमाग में बहुत परमानेंट हो जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में जब आप ऑडियो विजुअल एड यूज करते हैं, एक तो आपको उनको यूज करना आ जाता है क्लास में,
दूसरा आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि जब मैं ऑडियो विजुअल ऐड यूज करता हूँ तो बच्चे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो आप आगे जाके ऑडियो विजुअल ऐड को अच्छे से यूज करने लगते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग स्किल, इससे पढ़ाने में बहुत ज्यादा दक्षता आती है। देखिए पहले आप 6 मिनट पढ़ा रहे हो, दूसरे दिन भी आप 6 मिनट पढ़ा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। आप रोज एक स्किल सीखते हो और फिर दूसरी स्किल सीखते हो तो धीरे धीरे आपको सारी टीचिंग स्किल आ जाती है, आपको बच्चों को कंट्रोल करना आ जाता है, आपको अपनी कमियों को दूर करना आ जाता है, आपको ऑडियो विजुअल ऐड यूज करना आ जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके पढ़ाने की क्षमता है, आपकी जो टीचिंग स्किल है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है और आपको पढ़ाने में दक्षता आती है। लास्ट है प्यूपल टीचर में एवेल्युएट हिमसेल्फ, कि वो अपना मूल्यांकन खुद कर सकता है। देखिए जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आपको खुद पता चल जाता है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों का चेहरा देख के आप समझ जाते हो कि बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ आया है या नहीं। जब आप क्वेश्चन पूछते हो और बच्चे उनका आंसर देते हैं तो आपको लगता है हाँ बच्चों को समझ में आया, या बच्चे ब्लैंक फेस रखते हैं, उन्हें कुछ बताने ही नहीं आता, तो आप समझ जाते हो कि बच्चों को कुछ भी बताना नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि उन्हें समझ नहीं आया। तो प्यूपल टीचर खुद ही अपना मूल्यांकन करने लगता है और अपने मूल्यांकन के हिसाब से वो खुद ही अपने को अपनी जो टीचिंग है उसे इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि माइक्रो टीचिंग जो है एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रैक्टिस है और इससे बच्चों को जो है पढ़ाने में बहुत ज्यादा दक्षता आती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, माइक्रो टीचिंग के साइकिल कौन कौन से होते हैं और माइक्रो टीचिंग के बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। So that's all for today lecture. Thank you very much.